तो दोस्तों आज हम राजस्थान वन रक्षक एवं वनपाल के लिए 35 इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्न हैं और परीक्षा में आने लायक प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है किशनगढ़ शैली से। ठीक है, किशनगढ़ शैली से कौन संबंधित है? तो सुप्रसिद्ध बनी ठनी संबंधित है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है बहुत ही, और यह प्रश्न पूछा गया था BSTC प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है? तो यह संबंधित है आमेर जयपुर शैली से। ठीक है, आमेर जयपुर शैली से कौन संबंधित है? तो आपको याद रखना है गोपाल उदय और हुक्मा। अगला सवाल है सीताराम बदन सिंह और नानका राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे किशनगढ़ शैली से। ठीक है, किशनगढ़ शैली से कौन संबंधित थे? तो आपको याद रखना है सीताराम बदन सिंह और नानका राम संबंधित थे। अगला सवाल है कि कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु मुख्यतः तो है, तो क्या है? शिकार के दृश्य। ठीक है, शिकार के दृश्य है जो कोटा चित्रकारी शैली की विषय वस्तु है। और यह प्रश्न पूछा गया था लैब असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है? तो है लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। ठीक है, लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव जो यह जो विशेषता है जो राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है, कौन सी? लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव। ठीक है, और यह प्रश्न पूछा गया था हाईकोर्ट क्लर्क परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः निम्न से प्रेरणा प्राप्त की है, तो यह की है इनमें से सभी। ठीक है, प्रकृति देवत्य चांदनी नृत्य संगीत कथा महाकाव्य पुराण कथा और दंत कथा इन सभी से प्रेरणा प्राप्त की है। ठीक है, इन्होंने राजपूत चित्रकला परंपरा में, ठीक है, राजपूत चित्रकला परंपरा में मुख्यतः इन सभी में से प्रेरणा है जो प्राप्त की है। और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और यह प्रश्न पूछा गया था जेल प्रहरी परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है, तो वह शैली है बूंदी शैली। ठीक है, बूंदी शैली में राजस्थानी चित्रकला राजस्थानी चित्रकला की बूंदी शैली में पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण जो है हुआ है। और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया था वन रक्षक परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि सम्मानाथा छज्जू और सेफू चित्रकला की किस शैली से संबंधित चित्रकार है? तो यह संबंधित है जोधपुर शैली से। ठीक है, जोधपुर शैली से संबंधित चित्रकार कौन कौन से है? तो आपको याद रखना है वह है सम्मा नाथा छज्जू और सेफू। ठीक है, ये चारों चित्रकार हैं जो जोधपुर शैली से संबंधित है। अगला सवाल है कि राजस्थान में अलानिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज है जो किसने की थी? तो यह की थी डॉक्टर जगत नारायण ने। ठीक है, डॉक्टर जगत नारायण ने राजस्थान में आलनियों के प्रागैतिहासिक चित्रों की है जो खोज की थी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है मंदिर स्थापत्य की भूमिज शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है? तो यह है नागर शैली की। ठीक है, नागर शैली की उपशैली है और यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न पूछा गया था पटवारी मुख्य परीक्षा 2016 में पूछा गया था प्रश्न। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि आभा नेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के है? तो यह है गुर्जर प्रतिहार काल के। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार काल के आभा नेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव है जो गुर्जर प्रतिहार काल के है। और यह प्रश्न पूछा गया था RTET यानी रीट लेवल सेकेंड परीक्षा 2016 में पूछा गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि रागमाला का प्रसिद्ध चित्रकार डालू राजपुताना की किस शैली से संबंधित था? तो यह संबंधित था कोटा शैली से। ठीक है, कोटा शैली से संबंधित था कौन सा चित्रकार? डालू। अगला सवाल है कि राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? तो यह संबंधित था किशनगढ़ शैली से। ठीक है, किशनगढ़ शैली से
है जो निहाल चंद संबंधित था। और ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न पूछा गया था एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 तथा बीएसटीसी प्रवेश परीक्षा 2014 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है, तो वह चित्रशैली है बूंदी शैली, ठीक है, बूंदी वह चित्रशैली है जो पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली है। अगला सवाल है कि चावन शैली की चित्रकला किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई, तो यह हुई थी प्रताप के, ठीक है, महाराणा प्रताप के है जो शासनकाल में चावन शैली की चित्रकला है जो प्रारंभ हुई थी, किसके शासनकाल में, तो महाराणा प्रताप के शासनकाल में। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया, और ये प्रश्न पूछा गया था एग्रीकल्चर ऑफिसर परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है, तो यह विशेषता है बीकानेर शैली की, ठीक है, बीकानेर शैली की है जो विशेषता है क्या, ऊँट की खाल पर चित्रांकन, ठीक है, ऊँट की खाल पर चित्रांकन बीकानेर शैली की है जो विशेषता है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और यह प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2013 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, तो मंडावा प्रसिद्ध है क्योंकि भित्ति चित्र के कारण, ठीक है, भित्ति चित्र के कारण मंडावा है जो प्रसिद्ध हैं। और यह भी प्रश्न पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2010 में पूछा गया था प्रश्न, ठीक है, तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।